हेलो फ्रेंड्स, टुडे वील बी डिस्कसिंग सिलेनियम टॉपिक। तो सिलेनियम का हम लोग आज पहला टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सिलेनियम आईडीई। सिलेनियम आईडीई इज अ सिलेनियम आईडी बेसिकली जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई की फ्लो होते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और बेसिकली ये प्लग इन है। आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, पहले जो वेबसाइट थी वो सिलेनियम hq.org के नाम से थी, अब हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है selenium.dev। आप ये वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहां पर आपको सिलेनियम आईडीई मिलेगा। डाउनलोड पर क्लिक करिए, ठीक है। यहां से आप स्क्रॉल डाउन करिए नीचे, तो नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पर सिलेनियम आईडीई नजर आएगा। तो बेसिकली यहां पर आप देखेंगे तो लिखा है सिलेनियम आईडी इज अ क्रोम एंड फायरफॉक्स प्लगइन विच रिकॉर्ड्स एंड प्लेबैक्स यूजर इंटरेक्शन विद द ब्राउजर। तो इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं लिखी जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने जब सिलेनियम का फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन लिया था तो हम लोगों ने देखा था कि वी हैव टू राइट अ कोड, अ स्क्रिप्ट, जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ब्राउजर के ऊपर जाकर हम लोग उसको वैलिडेट करते हैं, एग्जीक्यूशन करवाते हैं उसका, ठीक है ना। तो अब इस केस के अंदर हम लोग जब बात कर रहे हैं सिलेनियम आईडी की, तो ये हमारा जो सिलेनियम डेवलपर थे, क्या नाम था, जैसन हगिंस, जो थॉटवर्क्स कंपनी में वर्क करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो था अपने प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करने के लिए जो है आईडीई को लेकर आए थे मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो सिलेनियम आईडीई जो है वो प्लगइन है मोज़िला फायरफॉक्स के ऊपर, और ये सिर्फ रिकॉर्ड एंड प्ले करने का काम करता है, इसके अंदर हम लोग कोई कोड नहीं लिख सकते। तो यही इसका डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज अगर आईडी का देखें तो ये डेप्रिकेटेड है, नो लॉन्गर यूज, कि ये खाली क्रोम और फायरफॉक्स का ही प्लगइन है। तो मतलब अगर आप ओपेरा या किसी और के ऊपर है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर अगर आप इसको रिकॉर्ड एंड प्ले करना चाहो तो वो वहां पर दूसरे ब्राउजर्स को सपोर्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से स्टैटिक कॉन्टेंट की ही रिकॉर्डिंग हो सकती है, डायनेमिक कॉन्टेंट की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। जब मैं रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। किसकी रिकॉर्डिंग होती है? कमांड्स की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। तो कमांड्स जो हम लोग वेबसाइट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओपन, क्लिक, टाइप, तो वो कमांड्स जो है वो रिकॉर्ड होते हैं, जिनको हम लोग वापस से प्ले बैक कर चेक करते हैं कि वो कमांड्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही हमारी, ठीक है ना। तो अगर मैं सम अप करूं तो हम बोल रहे हैं सिलेनियम आईडी इज अ प्लगइन। प्लगइन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखो कि ऊपर एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, ये लिखा हुआ सिलेनियम आईडी मैंने अपनी मशीन के ऊपर ऐड करा हुआ है, जैसे तो ये ब्राउजर के ऊपर ऐड होता है। तो क्रोम और फायरफॉक्स ब्राउजर के ऊपर ये प्लगइन ऐसे ऐड होता है, जो भी मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। और यहां से हम लोग जो है अपनी जो भी हम लोग मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं या हम लोग ब्राउजर के ऊपर जाकर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो बैकग्राउंड के अंदर कमांड्स को रिकॉर्ड कर वापस से प्ले बैक करता है, लेकिन ये स्टैटिक कॉन्टेंट को ही रिकॉर्ड कर पाता है, ठीक है ना। तो इसको आप इस लिंक पर जाकर सिलेनियम डेव डाउनलोड्स में जाकर स्क्रॉल डाउन करेंगे सिलेनियम आईडी, और आप क्रोम ब्राउजर के ऊपर आप ओपन कर रहे हैं तो क्रोम फॉर क्रोम, और फायरफॉक्स पर कर रहे हैं तो फॉर फायरफॉक्स पर आप क्लिक कर दीजिए, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं। और क्लिक कर यहां पर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एडिड है तो इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम कर रहा है, लेकिन जब आपकी मशीन के ऊपर ये ऐड नहीं हो रखा होगा तो यहाँ पर ऐड टू क्रोम लिखकर आएगा, बस आप उस बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपका इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसे आइकन ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग कैसे काम करते हैं तो उसका एक मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग जब सिलेनियम आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो मेरे पास ये स्क्रीन खुल रही है जिसके अंदर लिखकर आ रहा है रिकॉर्ड अ न्यू टेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो हम लोग इसी के ऊपर ही रिकॉर्ड एंड न्यू टेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी ले लीजिए, ये अब आपका यूआरएल कह रहा है, बेस यूआरएल लिख रखा है। बेस यूआरएल वो यूआरएल होता है जो कि .com .org तक का ही होता है, लिंक पेज आगे का नहीं लिखा जाता। तो जब भी हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो होम पेज जो होता है हमारा बेस यूआरएल वो लिखना पड़ेगा, वो भी HTTP या HTTPS से स्टार्ट करना पड़ेगा, खाली WWW से नहीं लिखना पड़ेगा आपको। तो जैसे मैं एक वेबसाइट ले रहा हूं वो है HTTP
आप कोई सी भी वेबसाइट ले सकते हो, मैं एक ले रहा हूँ webmath.com। तो हम लोग एक ले रहे हैं http://www.webmath.com। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा एक रिकॉर्डिंग सेशन स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। तो ये अब हमारी साइट खुल गई और यहाँ पर देखिए लिखकर आ रहा है नाउ रिकॉर्डिंग सिलेनियम के अंदर, आपका लिखकर आ रहा था सिलेनियम नाउ रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि मैंने मैथ फॉर एवरीवन पर क्लिक करा, तो अब जो जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ क्लिक, क्लिक एक कमांड है किस जगह इस लोकेशन पर, तो इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी पीछे, मैथ फॉर एवरीवन पर क्लिक करा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर से मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करा कन्वर्जन एरिया, ठीक है, ये कन्वर्जन एरिया आया। मैंने इसमें कुछ भी इनपुट लिया 1200 और स्क्वायर मीटर को मैंने स्क्वायर फुट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैं कुछ भी एक फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहा हूँ कि भाई लिंक प्रॉपर वर्क कर रहा था, ड्रॉपडाउन प्रॉपर वर्क कर रहा था और इनपुट के बेसिस के ऊपर मेरे को आउटपुट सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये मैंने एक तरीके का ये काम करा। तो अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये जो मैं आइकन पर वापिस से देखूंगा तो यहां पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ये रहा स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आप देखोगे तो ये मेरा बेस यूआरएल है और उसके अलावा जो जो मैंने काम किया, क्लिक करा टेक्स्ट फॉर मैथ फॉर एवरीवन के ऊपर, क्लिक करा टॉपिक आइटम पर, है ना, मैंने टाइप करा तो वो कहाँ टाइप करा, ये टारगेट जो बता रहा है ये बता रहा है लोकेशन, वैल्यू में जो वैल्यू हम लोग क्लिक या टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये मेरी कमांड्स है, ठीक है, ये हमारी रिकॉर्ड हो गई है जिसको हम लोग सेव कर सकते हैं सेव प्रोजेक्ट के थ्रू। और जैसे कि मैंने एक फोल्डर बना रखा है आईडी रिकॉर्डिंग, तो मैं आईडी रिकॉर्डिंग में जाकर इसको वेब मैथ के नाम से जो मैंने बताया था नाम सेव कर दे रहा हूं। तो बेसिकली अब इसका जो यूज है वो यूज ये है इसका कि आपने जो भी मैनुअल टेस्टिंग करी तो उसका एक आपके साथ में रिकॉर्ड हो गया आपका, ठीक है ना। तो अब हमको अगर कल को हम लोग लीव के ऊपर हैं, कोई हमारे काम के ऊपर जो है दोबारा से आकर चेक करना चाहता है आप कहाँ तक काम करा था आपने, या हम अपने काम को जो है दोबारा से रन करना चाहते हैं, कुछ रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोग करना चाहते हैं इस तरीके की, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग इस कमांड्स को दोबारा से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो कैसे करवा सकते हैं, इसको मैं अभी क्लोज डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा ब्राउजर भी क्लोज डाउन हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ब्राउजर को दोबारा से लाइक नेक्स्ट डे में आकर या जो भी है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहां पर आकर हम लोगों ने ओपन आर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। कहां से ओपन करना है, जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा था, तो देखेंगे हम लोगों ने कहां पर करा था, आई थिंक डी में ही करा था, और उसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन पर ये कमांड्स ओपन हो गए। यहां पर आपका रन प्रोजेक्ट कर ऑप्शन आ रही है, यहां से इसको हम लोग रन करवा देते हैं। तब ये देखेगा ये वापस से जो जो कमांड्स हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवाई थी वो सारी कमांड्स ऑटोमेटिकली यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपको यहां पर लिखकर आ गया सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गई है। क्लियर है जी बात, ठीक है ना। इसी के अंदर ही अगर आपको आगे कंटिन्यू ऐड करना है तो आप इस लास्ट कमांड के बाद क्लिक करिए और रिकॉर्ड बटन पर क्लिक कर दीजिए यहां से, और फिर उसके बाद अगर आप यहां पर मान के चलिए जनरल मैथ पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ आप यहां पर मान के चलिए कुछ भी काउंट काउंटिंग पर या ना किसी पर भी ले लेते हैं, स्पीड पर ले लेते हैं, स्पीड कर रहे हैं, ठीक है, और आप इसमें 200 कन्वर्ट कर रहे हैं और आप उसके बाद वापिस से अपने इस पर जाते हैं तो ये आगे ऐड इसी के अंदर हो गई। स्टॉप करिए, सेव कर दीजिए, सेव हो गया। और उसके बाद अगर आप इसको वापिस से जब रन करवाएंगे तो वो फिर से कमांड्स पर्टिकुलर जगह से भी रन करवा सकते हैं अपनी, ठीक है ना, और नहीं तो वापस से जब रन कराएंगे
तो ये वापस से टेस्ट आपका रन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है हमारा दो चीजें और हम लोग बता रहे हैं, वो है assert एंड verify कमांड्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सुन समझते हैं इस चीज को, what is assert कमांड, what is verify कमांड। ठीक है, तो ये चल रहा है हमारा टेस्ट। ठीक है जी, तो ये हमारा टेस्ट चल रहा है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, हमारे को अब मैं दो चीजें बता रहा हूं assert एंड verify कमांड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या कर रहे थे। अगर अपने टेस्ट को दोबारा से मैं बैक कर रहा हूं, ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर मैथ फॉर एवरीवन पर क्लिक करा था। ठीक है ना, अब मैथ फॉर एवरीवन पर जब क्लिक करा था और मैं नेक्स्ट पेज पर आया इस लिंक पर, तो मेरे को ये चेक करना है कि मेरा ये वाला जो मैथ्स फॉर एवरीवन वाला लिंक है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा, तो मैं सही पेज पर लैंड कर रहा हूं या नहीं लैंड कर रहा। तो आप इस पेज का टाइटल देखोगे यहां पर जो लिखा हुआ मैथ फॉर एवरीवन, तो इसका मतलब कि इस पेज का जो टाइटल आ रहा है या मेरा है ना हेडिंग आ रही है वो मेरी क्या आ रही है, मैथ फॉर एवरीवन लिखकर आ रही है। तो इसका मतलब क्या, मैंने इसको अपने अगर मैनुअल बोलूंगा तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि हाँ मैंने लिंक पर क्लिक करा और मेरे को यहां पर जो हेडिंग लिखकर आ रही है वो मैथ फॉर एवरीवन लिखकर आ रही है, इसका मतलब कि मैं करेक्ट पेज के ऊपर लैंड कर रहा हूं। तो अब इस चीज को अगर मेरे को अब रिकॉर्ड करना हो तो इस चीज को कैसे रिकॉर्ड करा जाए कि मैं करेक्ट पेज के ऊपर आया हूं या नहीं आया, तो उसके लिए हमारे पास दो कमांड्स होती है assert एंड verify कमांड्स। तो दोनों के बारे में समझते हैं, बोथ कमांड्स assert कमांड हो या verify कमांड हो, दोनों क्या चेक करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वेब एलिमेंट ऑन अ वेब पेज। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, assert एंड verify बोथ कमांड्स क्या काम करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वेब एलिमेंट ऑन अ वेब पेज चेक करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये जो भी यहां पर पेज के ऊपर नजर आ रहा है, ये इमेज नजर आ रही है, ये मेरे को जो है टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये लिंक्स नजर आ रहे हैं मेरे को लिखे हुए, ये कोई मेरे को बटन्स नजर आ रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारी चीजों को क्या कहते हैं हम लोग, वेब एलिमेंट कहते हैं। तो मेरे को इसकी प्रेजेंस को चेक करना है कि भाई ये वाला इमेज आ रही है या नहीं आ रही, बटन आ रहा है या नहीं आ रहा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है या नहीं आ रही है। तो उस चीज को चेक करने के लिए हम लोगों के पास कमांड होती है, कौन सी कमांड होती है, assert कमांड एंड verify कमांड, दोनों कमांड होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, assert कमांड और verify कमांड में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस इतना है कि assert कमांड के केस में अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो वहीं पर ही टेस्ट स्टॉप हो जाएगा और आगे की कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। दोबारा से बोल रहा हूं, assert के केस में जहां पर आपका एरर आता है, आपको एलिमेंट नहीं मिलता है, वहीं पर ही टेस्ट स्टॉप हो जाएगा और आगे का टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि verify के केस में अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो टेस्ट स्टॉप नहीं होगा, वो आगे भी एग्जीक्यूट होगा और आगे भी अगर उसको कोई और एलिमेंट नहीं मिलता है तो उसकी भी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब कि वेरीफाई के केस में कंप्लीट टेस्ट चलेगा और जहां जहां पर एरर आएंगे वो सारे रिपोर्ट करेगा, जबकि एसर्ट के केस में वो पूरा टेस्ट नहीं चलेगा, वहीं तक का ही चलेगा जहां तक एरर आ रहा है। ठीक है ना, तो अब इसमें जो है ये हमारे नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को अब एसर्ट का इस्तेमाल करना है या वेरीफाई का इस्तेमाल करना है। अगर तो मेरी सिचुएशन ये कहती है कि भाई ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट अगर नहीं आ रहा है तो मेरे को टेस्ट को यहीं स्टॉप कर देना है, मेरे को आगे का चेक नहीं करना है और पहले इसको रेक्टिफाई करना है डेवलपमेंट टीम के पास भेजकर, तो उस केस में मैं एसर्ट करवाऊंगा। अगर मेरे को लगता है नहीं कोई बात नहीं ये वाला एरर तो है ही, मैं और भी पूरा कंप्लीट सिनारियों को टेस्ट कर लेता हूं और भी अगर एरर होंगे सबको इकट्ठा मैं रिपोर्ट कर दूंगा डेवलपमेंट टीम को, तो उस केस में आप वेरीफाई को कर लीजिए। ठीक है ना, तो assert एंड verify का मेरे ख्याल से मतलब समझ में आ गया होगा। तो आप कैसे ऐड करें उस चीज को देखते हैं, assert एंड verify। तो आप देखोगे अपनी रिकॉर्डिंग को, वापिस अपने रिकॉर्डिंग पर चलते हैं, तो आप अपनी रिकॉर्डिंग पर देखोगे तो आपको यहां पर खुद से ऐड करना पड़ेगा। तो आपने देखा था कि मैंने ये क्लिक कर दिया था मैथ फॉर एवरीवन, या आपने देखा था मैंने मैथ फॉर एवरीवन लिंक पर क्लिक कर दिया था। अब मेरे को चेक करना था कि मैंने ये लिंक प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा, तो उसके बाद अब मेरे को एक assert कमांड ऐड करनी है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, इसके बाद की जो नेक्स्ट कमांड है इस कमांड के ऊपर जाकर राइट क्लिक करना है, और इंसर्ट न्यू कमांड, और इंसर्ट न्यू कमांड यहां पर देखिए एक ऐड हो गई,
यहां पर जाकर कमांड मेरे को ऐड करनी है। क्या कमांड ऐड करनी है? ए डबल एस ई आर टी, एसर्ट। अब एसर्ट में बहुत सारी चीजें आ रही है कि क्या एसर्ट करना है आपको, एसर्ट क्या करना है आपको, टेक्स्ट एसर्ट करना है। तो एसर्ट टेक्स्ट कहां से एसर्ट करना है ये देखिए, यहां पर ये आपका टारगेट के लिए ये एरो बटन बटन बनकर आ रहा है, इस एरो पर क्लिक करिए, ये आपकी वेबसाइट पर ले गया। और यहां पर जाकर आपको इस जगह से एसर्ट करना है तो यहां पर जाकर आप इसको क्लिक कर दीजिए, तो ये लोकेशन आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। और क्या वैल्यू एसर्ट करनी है, वो करनी है मैथ फॉर एवरी वन। तो अब अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास जो आ रही है मैथ फॉर एवरीवन आ रही है। अगर मैं ये वेबसाइट से ही कॉपी करके लिख दूंगा तो उस केस में टेस्ट कभी फेल होगा ही नहीं, लेकिन मेरे को वेबसाइट से कॉपी कर नहीं लिखना है। आपको वहां पर एक्सेल शीट मिलेगी कंपनी के अंदर, कोई क्या मिलेगा, टेस्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको, वहां पर लिखा हुआ चीज मिलेगी भाई क्या चीज एक्सपेक्टेड क्या चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं जानबूझकर यहां पर क्या करता हूं, मैं बोलता हूं एक्सपेक्टेड जो आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी मैथ्स फॉर एवरीवन, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में जो आ रही है वो आ रही है मैथ फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये क्या होगा, ये फेल होगा यहां पर से, तो अब यहीं पर ही टेस्ट स्टॉप हो जाएगा, आगे का एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, और सेव हो जाने के बाद अब मैं इसको वापस से, चाहो तो आप ब्राउजर को ऐसे बंद भी कर दोगे ना, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको वापस से ओपन कर सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप उसको ओपन ही करके रखो, आप उसको क्लोज कर भी वापस से ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है कि आपको ओपन करके रखना है। ओपन, ठीक है जी। तो अब आप इस टेस्ट को देखोगे तो यहां पर देखिए लिखकर आ रहा है फेल्ड, एक्चुअल वैल्यू मैथ फॉर एवरीवन, और ये इससे मैच नहीं करी है, और इसके बाद आगे कोई कमांड फोर के बाद आगे की कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है ना। ये लॉग है, लॉग हम लोग यहां से क्लियर कर सकते हैं, यहां से ये देखिए लॉग को हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं लॉग को क्लियर कर देता हूं यहां से। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एसर्ट की जगह यहां पर वेरीफाई कर देता हूं। तो दोनों तरीके से काम हो सकता है, दोनों में डिफरेंस दिखा रहे हैं। तो मैंने सब कुछ सेम कर रखा है, एसर्ट की जगह मैंने वेरीफाइड टेक्स्ट कर दिया, अब इसको फिर से रन कराकर चेक करते हैं। आपकी बार में देखिए टेस्ट रुका नहीं और आगे की कमांड्स भी एग्जीक्यूट हो गई हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अगर इसके अंदर लॉग को, तो ये पूरा कमांड एग्जीक्यूट हुई है लेकिन विद वन एरर आई है। तो विद वन एरर का मतलब क्या हुआ कि आपका वहीं पर ही जहां पर हम लोगों ने वेरीफाई कर रखा है वहां पर ये फोर्थ लाइन के ऊपर एरर दे रहा है, लेकिन टेस्ट स्टॉप नहीं हुआ, आगे की कमांड्स भी एग्जीक्यूट हो गई है। तो इस तरीके से हम लोगों को कुछ भी चीज एसर्ट के लिए करनी है कि खाली टेक्स्ट ही एसर्ट की जाए, कोई भी अलर्ट बॉक्स एसर्ट करना है, इमेज भरना एसर्ट करना है, हमारे को टाइटल एसर्ट करना है, तो हम लोग उसके अंदर बहुत सारी चीजें एसर्ट के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं या वेरीफाई में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और कमांड होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास वेट कमांड। तो उसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं वेट कमांड का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखते हैं उस चीज को। तो एक मैं नया टेस्ट लिखता हूं आपके साथ में, अब मैं ऊपर ना जाकर एक और तरीके से काम कर रहा हूं। मैं इस वाले लिंक पर क्लिक कर रहा हूं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है ना। रिकॉर्ड अ न्यू प्रोजेक्ट के साथ हम लोग काम कर चुके हैं, एक और करके दिखा रहा हूं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, इस लिंक पर मैंने क्लिक करा, ठीक है।
प्रोजेक्ट का नाम मैंने कुछ भी दे दिया, जैसे कि नेट हॉरिजन दे दिया मैंने। अब यहां पर उसने मेरे से बेस यूआरएल वगैरह नहीं मांग रहा ना, तो अब यहां पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी नहीं हो रही है पीछे की, तो मेरे को खुद से यहां पर यूआरएल लिखना पड़ रहा है। तो मैं यहां से यूआरएल लिख रहा हूं http www.nethorizonconsultancy.com। तो मैंने ये यूआरएल लिखा http://www.nethorizonconsultancy.com। फर्स्ट कमांड जो हमेशा हमारी होती है वो कमांड होती है हमारी ओपन कमांड। ओपन कमांड के बाद यहां पर कमांड ऐड करी आपने ओपन। अगर तो मैं होम पेज पर ही हूं तो मैं सिंपल स्लैश डाल दूंगा, होम पेज मीन सिंपल स्लैश, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं होम पेज का मतलब कॉम तक का उसे होम पेज कहते हैं, लेकिन अगर मेरे को कंटिन्यूएशन लिंक पर जाना है, कंटिन्यूएशन पेज पर जाना है, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, SEEKER seeker.aspx, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक लिंक ओपन कर रहा है nethorizonconsultancy.com seeker.aspx। इसके बाद मैं कमांड नंबर टू को ऐड कर रहा हूं। तो कमांड नंबर टू ऐड करने के लिए मेरे को यहां पर मैं वेबसाइट वाली जो मैं है कर रहा हूं उसको मैं ओपन कर लेता हूं, nethorizonconsultancy.com, और कहां पर जा रहा हूं मैं, seeker.aspx, ठीक है जी। इसके बाद मेरे को यहां पर यूजर नेम को टाइप करना है, तो उसके लिए हम लोग रिकॉर्डिंग पर जाते हैं और दूसरी कमांड है टाइप। टाइप कहां पर टाइप करना है, इस पर क्लिक करा और ये मेरी वेबसाइट पर देखिए आ गया, और इस पर मैंने यहां पर जाकर जहां पर टाइप करना है वहां पर क्लिक करवा दिया, तो उसने लोकेशन ले लिया। क्या टाइप करना है, मैंने लिख दिया राम। फिर दोबारा से अगली कमांड में टाइप, कहां टाइप करना है, पासवर्ड, और फिर हम लोगों ने पासवर्ड जो टाइप करना है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, क्लिक, कहां पर क्लिक करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करा तो ये लोकेशन ले लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, तो अगर मैं वेबसाइट पर जाकर देखूं तो मैंने राम टाइप करवा दिया, मैंने सीता टाइप करवा दिया। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इनवैलिड आईडी पासवर्ड है, तो मेरे को एक्सपेक्टेड एक एरर मैसेज मिलना चाहिए, तो मैं वही चेक कर रहा हूं कि एरर मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहां पर एक एरर मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको एसर्ट करना है, आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एसर्ट टेक्स्ट। कहां से एसर्ट करना है, इस लोकेशन से एसर्ट करना है, ठीक है ना। और क्या एसर्ट करना है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं इस टेक्स्ट को, ठीक है जी। तो ये मैंने एक सिंपल सा टेस्ट सिनारियो लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। सेव, ओके। तो अब ये मेरा पास होना चाहिए, क्योंकि मैंने वहीं से वेबसाइट से ही उसको कॉपी करके यहां पर डाला है, तो मेरे को ये टेस्ट मेरा पास हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं पास होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा टेस्ट सिनारियो पास हो गया, ठीक है ना। तो अब इस केस के अंदर हमारे को जो है, यहां से आप चेक भी कर सकते हो कि मेरे को स्लो फास्ट जिस हिसाब से चलाना है वो चलाना है। अब इस वाले केस में कई बार क्या होगा, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा, ठीक है ना, तो या वेबसाइट हैवी टू लोड होगी, तो उस केस में अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये एरर मैसेज पहले नहीं आया था, ये लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आया। तो हो सकता है कि ये वाला एरर मैसेज को आने में, क्योंकि सर्वर कनेक्शन अगर स्लो हो, नेट कनेक्शन स्लो हो, वेबसाइट स्लो हो, तो थोड़ा टाइम लगा आने में, ठीक है ना। तो उस केस में अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो फिर मेरे को यहां पर क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा, क्योंकि उस केस में इसको ये वाला मैसेज नहीं मिलेगा। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक वेट कमांड ऐड करनी पड़ती है। तो व्हाट इज द वेट कमांड,
तो वेट कमांड इज अ कमांड विच वेट्स फॉर द स्पेसिफिक एलिमेंट टू गेट प्रेजेंट। अगर कोई वेबसाइट के अंदर कोई एलिमेंट थोड़ा सा हैवी है या वेबसाइट स्लो है तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेट कमांड लगा सकते हैं। तो वेट कमांड कैसे लगाई जाए, तो उसके लिए भी वही हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग ने कमांड ऐड करनी है, तो इंसर्ट न्यू कमांड, और कमांड में जैसे एसेट कमांड था वैसे ही वेट कमांड, ठीक है, वेट फॉर एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है ना, या वेट फॉर, क्योंकि पेज सबमिट हो रहा है, जब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो पेज क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है, तो वेट फॉर पेज टू लोड, चलिए ठीक है, तो ये वाले लेते हैं, वेट फॉर एलिमेंट प्रेजेंट। कौन सा एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए जो मैंने यहां पर नीचे आपका सेलेक्ट करा था, तो यहां से कॉपी कर लेते हैं ये, तो इसका मतलब कि यहां पर अब इसको एसर्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या करा दिया, कमांड वेट करा, वेट कमांड ऐड करा दी कि इस एलिमेंट के लिए वो वेट करे, और ये क्या है, ये टाइम है, कौन सा टाइम, मिली सेकेंड में टाइम लेता है, तो इस टाइम को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका है, तो वो इतने टाइम तक वेट करने के बाद एसर्ट करेगा, अगर उतने टाइम के बाद भी वो अवेलेबल नहीं होता एलिमेंट तो ही वो आपको क्या करेगा, एरर शो करेगा, टेस्ट को फेल करेगा, ठीक है, तो ये बेसिकली वेट कमांड होती है, तो एसर्ट कमांड, वेरीफाई कमांड या वेट कमांड आपको खुद से ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसको भी ठीक है, पास हो गया। इसके बाद अब इसके एक और हम लोग टेस्ट लिखते हैं जिसमें मैं आपका इसका डिसएडवांटेज दिखाना चाहता हूं कि भाई हमारा जो है डिसएडवांटेज क्या है, आईडी का प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बताया स्टैटिक कंटेंट ही रिकॉर्ड कर सकता है, डायनेमिक कंटेंट को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, तो उस चीज को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, तो मैं फिर से एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, क्रिएट अ न्यू टेस्ट, तो मैं एक अपनी वेबसाइट पर जा रहा हूं, कौन सी वेबसाइट पर जा रहा हूं, timesofindia.com, और उसके अंदर मैं एक लिंक पेज पर जा रहा हूं, और वो लिंक पेज है हमारा poll.cms, तो मैं इस पेज पर जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं इस लिंक को यहां पर से कॉपी कर लेता हूं https से यहां तक का, कंट्रोल सी, तो मेरा जो URL है, प्लेबैक URL है वो है com, ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, ओपन, ओपन, ओपन में क्या है मेरा, तो आप देखोगे poll.cms, ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है मेरे को, यस पर क्लिक करना है, ठीक है, तो यस पर क्लिक करने के लिए क्लिक कमांड आ गई, कहां क्लिक करना है, यहां पर से यस पर क्लिक करना है, ठीक है जी, तो ये यस ऐड हो गया, उसके बाद आगे क्या करना है, मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर पोस्ट करना है, तो 5, 6, 7, 8 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मेरे को यहां पर 12 ऐड करना है, ठीक है, तो 12 मेरे को टाइप करना है, कहां टाइप करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना है 12, उसके बाद क्या करना है मेरे को, ठीक है, तो मैंने करता भी जाता हूं, यस पर क्लिक हो गया, 12 लिख दिया, उसके बाद वोट बटन पर क्लिक करना है, क्लिक, कहां क्लिक करना है, वोट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, तो ये मेरा क्लिक वोट बटन पर क्लिक हो गया, उसके बाद क्या करना है मेरे को, वोट बटन पर क्लिक करने के बाद मेरे को ये चेक करना है, यू हैव सक्सेसफुली कास्ट योर वोट, अगर आ रहा है तो उसका मतलब कि ये फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है, तो उसको मेरे को एसर्ट करना है,
कहां से एसर्ट करना है, इस लोकेशन से एसर्ट करना है, और क्या एसर्ट करना है, ये टेक्स्ट एसर्ट करना है। तो ये यहीं से कॉपी कर लेते हैं। वैसे प्रैक्टिकल में आप नहीं कॉपी करिए, प्रैक्टिकल के अंदर आप जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा कंपनी से वही वाला वहीं से देखकर करिए, नहीं तो फिर कभी टेस्ट फेल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक रिकॉर्डिंग जो है ऐड कर ली है, एक टेस्ट सिनारियो ऐड कर लिया है, सेव कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम लोग रन करवाते हैं। अब आप देखोगे यहां पर एसर्ट टेक्स्ट के अंदर इसने क्या करा, एरर दे दिया। एरर क्यों दिया, उस चीज को चेक करते हैं। एक बार दोबारा से चेक करते हैं, एक बार दोबारा से रन करवाते हैं इसको। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पर कि यहाँ पर हमेशा, अब क्या है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि 7+5 ही रहे, ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा चेंज होता रहेगा। आप देखोगे ये हमेशा क्या हो रहा है, हर बार जब भी मैं इस पेज को लोड कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन चेंज होता जा रहा है। तो अब इस केस के अंदर उसने स्टैटिक वैल्यू यहाँ पर 12 ही ऐड कर रहा है, तो अब यहाँ पर 12 ही ऐड करेगा तो वोट बटन पर जब क्लिक करेगा तो वो आगे वोटिंग नहीं होगी हमारी। तो इस वजह से अब यहां पर ये, क्योंकि ये कंटेंट डायनेमिकली चेंज हो रहा है और यहां पर हम लोग स्टैटिक वैल्यू 12 ही लिखे चले जा रहे हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में, तो यहां पर आकर आईडी फेल हो गया, क्योंकि अब इस केस में हम लोग कोई कोडिंग के थ्रू ही ये काम कर सकते हैं, बिना कोडिंग के ये है ना, ये वैल्यू को रीड कर डायनेमिकली इसमें आंसर को पोस्ट नहीं कराया, उसके लिए मेरे को एक जावा का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही चीज हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट लाइब्रेरी के अंदर, जो हम लोग की है आरसी। आरसी की लाइब्रेरी भी डेप्रिकेटेड है, लेकिन एक क्लास हम लोग आरसी की कर देखेंगे ताकि एक आइडिया लग जाए कि भाई आरसी में क्या कैसे काम होता था और वो क्यों डेप्रिकेट करी गई। ठीक है, तो आज के लिए आईडी के अंदर बस इतना ही समझने की जरूरत है कि आईडीई इज अ प्लग इन ऑन मोजरेला फायरफॉक्स एंड क्रोम। प्लग इन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, और उसके अंदर रिकॉर्ड एंड प्ले कैसे कराया जाता है, एसर्ट वेरीफाई और वेट कमांड कैसे ऐड करी जाती है। ठीक है ना, तो इतनी चीज की आप कोई भी सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आरसी आपके साथ स्टार्ट करूंगा।